शरीर में तुम्हारे शरीर का राजा कौन है? तुम्हारा वीर स्त्रियों में उसी शक्ति को रज कहते हैं। ये शरीर का राजा है, और राजा अगर मर जाए, राजा कमजोर हो जाए, तो प्रजा लूट जाती है, प्रजा दुखी होती है। ये शरीर तो प्रजा है, अब राजा ही खलास हो गया, प्रजा तो अधमरी हो जाएगी। ये बुद्धि, ध्यान देना, आपकी बुद्धि आहा साधारण बुद्धि नहीं। ये बुद्धि का स्मरण बचपन में, स्मरण तीव्र होता है, धीरे धीरे स्मरण शक्ति कम हो जाती है। क्यों? जितनी मात्रा में आपके शरीर में रज और वीर की शक्ति कम होती जाएगी, स्मरण शक्ति घटती चली जाएगी, और जिसकी स्मृति कमजोर हो गई है, उसकी उन्नति रुक जाती है। भगवान श्री कृष्ण की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। डायरी में लिखा है उससे काम नहीं चलेगा, किताबों में तो सब ज्ञान लिखा उससे काम नहीं चलेगा, आपके दिमाग में स्मरण रहना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण दिलाते हैं कि अर्जुन कर्ण दानी है, ब्राह्मण का भेष बनाओ, चलो कर्ण से कवच और कुंडल मांग लो चल के। स्मरण दिलाते हैं। लोगों के पास में सब कुछ है, लेकिन समय पर याद नहीं आता है, स्मरण नहीं, मेमोरी कमजोर है। इसलिए अपने शरीर को थोड़ा हष्ट पुष्ट रखिए, चुस्त दुरुस्त रखिए, और शरीर में ये जो शक्ति है, पैदल चलने से इस शक्ति का सही निर्माण होता है, इसलिए पैदल चला करो। पैदल चलना लोग अपमान मानते हैं, आह कितनी गलत बात है, पैदल चलना लोग अपमान मानते हैं, और गाड़ी में चलना लोग अपना सम्मान मानते हैं कि वाह, बैठे रहना लोग बड़प्पन मानते हैं कि हम बड़े आदमी इसलिए बैठे हैं, बड़े नहीं तुम बड़े बीमार आदमी इसलिए बैठ गए, बैठने से बड़ी बीमारियां आती हैं। और पैदल जब तुम एक घंटा रोज तेज चाल में पैदल चलोगे, पहला फायदा यह होगा कि तुम्हारे मुखमंडल पर चमक आएगी, दूसरा फायदा भूख खुलकर लगेगी, बिल्कुल भस्मासुर पेट में पैदा हो जाएगा। भस्मासुर मतलब कोई बच्चा थोड़े पैदा हो जाएगा, आग पैदा होगी जठराग्नि। लोग डर रहे हैं कहीं वो भस्मासुर वास्तव में पेट में आ गया तो क्या होगा, वो नहीं आएगा, अग्नि जठराग्नि, खूब भूख लगेगी, फिर खाओगे तो भोजन में स्वाद ज्यादा लगेगा, फिर सोओगे तो नींद भी अच्छी आ जाएगी। और जिस व्यक्ति को भूख अच्छी लगती है और नींद अच्छी लगती है, तो समझ लेना वो व्यक्ति बीमार नहीं है, वो पूरा स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, उसको कोई रोग नहीं। आपका शरीर संकेत करता है, पहला संकेत यदि भूख कम हो जाए तो समझ लो बीमार होने का अल्टीमेटम इंडिकेटर जल चुका है। दूसरा संकेत, यदि आपको बिस्तर पर जाते ही नींद नहीं आती है, तो ये संदेश ऐसा मिल रहा है, संकेत मिल रहा है, इशारा मिल रहा है कि आप भयंकर बीमार होने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए याद रखना, बच्चा क्यों स्वस्थ रहता है, बच्चे को भूख बहुत लगती है और बच्चे को नींद भी खूब लगती है। लेकिन नींद और भूख क्यों लगती है? क्योंकि बच्चा हर समय व्यायाम करता है, टहलता है, घूमता है, उछलता है, कूदता है, चलता है, फिरता है, भागता है, गिरता है, उठता है, खेलता है, लेकिन तुम बैठ गए तो बैठे हैं ऐसे जैसे माटी का धोंधा बैठा है। आज किसी हॉस्पिटल में जाइए, कितना स्त्रियों की भीड़ लगी हुई है बीमारी के लिए,
लाइन लगी है, कितने पुरुषों की लाइन लगी। डॉक्टर भी खुश हो रहा है, डॉक्टर कहता है मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूं। वाह क्या सौभाग्य है, डॉक्टर को भी दूसरी फैमिली ढूंढने की जरूरत ही नहीं, परमानेंट मिल गए नालायक सब। एक मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर मिला तो उसने कहा मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं। तुमने कहा फिर कहां जाने की जरूरत है, अब बीमार है तो आएंगे नहीं तो क्या। बोले 5 किलोमीटर पैदल चले जाओ, ढाई जाओ ढाई आओ, फिर मेरे पास कभी आना ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा हम योगा करते हैं। अरे बोले योगा वोगा से कुछ नहीं, ये काम करना पड़े, योगा अलग रिजल्ट देता है, इसका अलग रिजल्ट। तो उसका रिजल्ट आ गया और 1 किलोमीटर यदि दौड़ दौड़ तो 5 किलोमीटर पैदल चलने की जरूरत ही नहीं। दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, दूध संपूर्ण आहार है और गहरी नींद संपूर्ण स्वास्थ्य की चाबी है और हंसना स्मरण शक्ति को बढ़ाने का मंत्र है और निश्चिंत रहना जिंदगी के सुख को पाने का फार्मूला है, फार्मूला है। तुमको खबर ही नहीं है, खबरदार। क्यों खबरदार, 1 घंटे हो चुका सत्संग करते करते, थोड़ी देर में बंद कर दो। क्या तुम्हारा मन होता थोड़ी देर में बंद कर दो, होता है? अरे मुंह से बोल दो होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है तो क्या मन होता है, सुनाते रहो। हाँ भले जान निकल जाए रगड़े रहो। सूरज को रोशनी देने में कोई थकान नहीं आती है, फूल को सुगंध और सुंदरता देने में थकान नहीं आती है, गुरुदेव को प्रवचन सुनाने में कोई थकान नहीं है, ताजी मुस्कान आती है। ये तो फूल का स्वभाव है सुगंध देना, सूरज का स्वभाव है रोशनी देना, गुरुदेव का स्वभाव है प्रवचन देना, प्रवचन। इसमें क्या थकान है? ये तुमको लगता है कि गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं, मेरे को क्या लगता है, मैं खाली बातें कर रहा हूं, बस बातचीत चल रही है। हम प्रवचन को कोई बहुत बड़ा गंभीर नहीं मानते, ये श्लोक श्लोक बोलता हूं, मेरे को कोई मेहनत नहीं पड़ती, न बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ती, अपने आप सीरियल से पन्ना खुलता चला जाता है, सिटिंग बैठती चली जाती है। मुझे तो लगता है ये सबसे सरल कार्य कर रहा हूं, कठिन नहीं, और मैं आपको छोटा नहीं मानता हूं, अपने को बड़ा नहीं मानता। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे सब बराबर के लोग हैं, इनके साथ में मित्रता जैसे हम हंस भी सकते हैं, मुस्करा भी सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, हा हा हो हे हो कर सकते हैं, इनके साथ में हम पूरा खुले हृदय से सत्संग सुना सकते हैं। ऐसा नहीं लगता, मैं तो पहली बार दुमका में आया हूँ, लेकिन हमें तुमसे शर्म नहीं लगती ना, संकोच नहीं लगता, क्योंकि तुमको लगता हमको लगता कि पहली बार मिलन है। अरे हमारा तुम्हारा मिलन पूर्व जन्म में 1000 बार हो चुका है, तभी यहाँ पर मिलन हुआ है, अन्यथा दुमका के सब लोग मिलने आ जाते वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनका जन्म जन्म तक मिलन कभी हुआ ही नहीं है, इसलिए दर्शन करने का सौभाग्य उनको नहीं मिलेगा, उन्हीं को दर्शन का सौभाग्य मिलेगा जिनको इससे पहले जन्मों में भी मिल चुका है। तो हमारा आपका रिश्ता तो पुराना है,